तड़के सुबह गर्भगृह में पहली बार रामलला को बाहर निकालकर नए भवन के नए आसन पर विराजित किया गया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। रामलला का नया सिंहासन 9.5 किलो चांदी से बनवाकर अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित कर दिया है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला को गर्भगृह से पहली बार पीतल की थाल में चावल व फूलों के बनाए जाने वाले आसन पर बैठाकर नए भवन के लिए प्रस्थान किया गया। राम जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला के साथ उनके तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न व शेषावतार लक्ष्मण जी के अलावा हनुमंत लला भी विराजमान है। इसके अलावा एक पाषाण खंड के भारी भरकम हनुमान जी भी विराजत है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की नौ संवत्सर की हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने नए आसन पर विराजमान होकर के हम सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद निरंतर प्रदान करते रहें। देश वर्तमान में जिस एक नई वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए तैयार हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम जो संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सब ने भारत की वर्तमान की कार्रवाई की सराहना की है और हम सब अपने अंदर इस प्रकार की ताकत महसूस कर सके कि वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम लोग न केवल वर्तमान की इस आपदा का सामना करने में भी तो भविष्य के उस नए भारत के निर्माण में हम सब मिलकर के आगे बढ़ सके। पीएम मोदी ने एक बार फिर देश की जनता